तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो फॉर्मेटिंग का चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम फॉर्मेट करना, दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। जैसे आपके पास एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस में आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए जैसे कि येलो है, मान लीजिए कुछ कंडीशंस में कलर करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें दिल्ली वाले सारे हाईलाइट हो जाए। हाँ बोलिए, रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए। दे दिया मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन, आपको दे दिया, तीनों आदमी को दे दिया। ओके थैंक यू मोहन जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा। तो मैं मान लीजिए मुझे सिर्फ दिल्ली वाले जितने भी है उसको हाईलाइट करना है, या एक पर्टिकुलर को हाईलाइट करना है, या मेल को हाईलाइट करना है, मतलब कि हमें कलर करना है कंडीशंस में। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन अगर हम यहाँ करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आप कंडीशन कर दिए लेकिन इस पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। नॉर्मल कंडीशन जस्ट उसको कलर करना है तो कलर कर देगा, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कंडीशंस के बिहाफ पे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप कलर करना चाहते हो। जैसे मैंने एमआरपी को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो सिलेक्टेड एरिया है उसी पे अप्लाई होगा, इसलिए सिलेक्शन जरूरी है। फिर यहाँ पे हमारे पास कई सारे कैटेगरी है, इसमें सबसे पहला कैटेगरी है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें आपके पास आता है जैसे ग्रेटर देन, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा। जैसे मैंने बोल दिया कि जितने भी इसमें 700 से जितने भी ओवर है उसको हाईलाइट कर दो, तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं जो हाईलाइट हो इसमें तो डिफॉल्ट फॉन्ट है, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है, तो आप यहां से फॉर्मेटिंग अपनी चेंज कर सकते हो। कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग बने बनाए हैं जिसको आप चूज कर सकते हो, लेकिन इसमें से कोई भी आपको नहीं करना, आपका खुद का करना है, तो आप यहां कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहां से आप कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए फिल में बॉर्डर है, ऐसे ये कर सकते हैं। बताएंगे मोहन जी, बताएंगे, पहले बेसिक तो कवर कर लें फिर बताएंगे आपको हम। तो यहां पे हम अपने हिसाब से जो कलर लेना चाहे ले सकते हैं, तो हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरीके से हम आपको ग्रेटर देन के बाद अगर आप लेस देन करना चाहते हो तो लेस देन, बिटवीन करना चाहते हो तो बिटवीन, कि दो नंबर के बीच की वैल्यू को हम कैसे हाईलाइट करेंगे। अब दिक्कत यहां पे एक चीज और आती है कि इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। तो देखिए हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन के अंदर में आप नंबर डेट एंड टाइम डाल सकते हो, मतलब कि आपको किसी पर्टिकुलर डेट से बड़े डेट को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे लेस देन में हाईलाइट हो गया ना, 6 जनवरी से लेस को हाईलाइट कर देगा, ऐसे हाईलाइट कर सकते हो डेट एंड टाइम एंड नंबर्स को। लेकिन इक्वल टू होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 590 को हाईलाइट करना है सिर्फ, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू में जाऊंगा और यहाँ पे कंडीशन 590 दे दूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सेल वैल्यू मतलब कि आप इसमें टेक्स्ट भी कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू दिल्ली दे दूंगा तो यहाँ पे मेरा दिल्ली हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन इक्वल टू में दिक्कत ये होता है कि मान लीजिए कहीं कहीं पे मेरे पास न्यू दिल्ली है और कहीं कहीं पे दिल्ली है, तो जहां पे अगर मैं हाईलाइट करता हूं, अगर मान लीजिए कि मैं इक्वल टू में जाता हूं और मैं दिल्ली को सिलेक्ट करता हूं तो मेरा दिल्ली हाईलाइट होता है, न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। अगर मैं न्यू दिल्ली को सिलेक्ट करता हूं तो दिल्ली हाईलाइट, न्यू दिल्ली हाईलाइट होगा, दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन दोनों तो एक जगह, न्यू दिल्ली दिल्ली एक ही सिटी है, तो मुझे दोनों को हाईलाइट करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो आता है वो आता है टेक्स्ट दैट कंटेन
इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पे अगर मैंने दिल्ली दिया तो दिल्ली एंड न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है सर, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। तो टेक्स्ट दैट कंटेन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन के बाद आती है डेट ऑकरिंग। जैसे कि मान लीजिए डेट है, अगर मैं फरवरी का डेट ही डाल देता हूं, तो इसमें अगर मैं सिलेक्ट करता हूं यहां पे, अब जैसे मान लीजिए कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में तो आप एक एक करके हाईलाइट कर सकते हो ना, लेकिन मैं चाहता हूं हाईलाइट करना पर्टिकुलर डेट को, तो यहाँ पे डेट ऑकरिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, मान लीजिए कि आपने इक्वल टू में गया और आज की डेट हाईलाइट कर देते हो कि 5, तो ये तो फिक्स हो गया ना। तो यहां देखिए, तो फिक्स हो जाएगा ना सर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम ए डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल करेंगे। और इस डेट ऑकरिंग में जैसे मैं टुडे सेलेक्ट कर लिया, तो टुडे करने से क्या हुआ कि ये हमारा 5 फरवरी हाईलाइट हो गया। अब कल मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो कल का हमारा सिस्टम डेट 6 फरवरी होगा, तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। इसी तरह से आप टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, द लास्ट वीक, दिस वीक, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो और ये आपके सिस्टम डेट से के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहेगा, ठीक है सर। डाउट सर, चलिए आगे बढ़ते। तो डेट ऑकरिंग इसके लिए इस्तेमाल होता है। डेट ऑकरिंग के बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे आप चाहते हो कि आपके सिलेक्टेड एरिया में कोई ऐसी वैल्यू जो कि मोर देन 1 टाइम हो उसको हाईलाइट करना, तो आप कर सकते हो, या सिर्फ एक बार है उसको भी कर सकते हो। मतलब कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मैं अपनी सेल में मोबाइल नंबर लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसे मोबाइल नंबर रिपीट ना कर सके। कोई भी अगर मोबाइल नंबर टाइप करता है तो रिपीटेशंस नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको राइट सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करूंगा। ऑन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना कर दीजिए और ओके कर दूंगा। आप यहां पे देखिए, अगर मैं कुछ गलत लिखता हूं और नीचे कहीं पे दोबारा उसी चीज को रिपीट करूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी पहली कैटेगरी हमारी खत्म हो गई, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। कोई डिटेल सर इसमें, कोई दिक्कत इसमें सर? फिर से ग्रेटर देन का यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि
मतलब जो है वैल्यू के अलावा कोई और भी डिटेक्ट हो जाए, हाईलाइट हो जाता है। तो जो उस कंडीशन क्राइटेरिया को मैच करेगा वो तो करेगा, जो उस क्राइटेरिया को मैच करेगा उसको तो हाईलाइट करेगा ही सर। सर एंड बार में मतलब फिर से वही मतलब रूल अपनाते हैं ना, फिर वही डेटा को फिर से सिलेक्ट करके फिर से ग्रेटर देन लगा के दूसरा वैल्यू डाल के फिर से सिलेक्ट करते हैं इंटर दबाते हैं, तो सर मतलब वैल्यू से ज्यादा जो है मतलब ले लेता है सर। जैसे एक बोला मैंने तो सिर्फ एक उसे मतलब आप मुझे एक बार लगा मुझे आप एक बार मुझे लगा के भेज दीजिएगा, मैं एक बार उसको दोबारा देख लूंगा, ठीक है बताऊंगा। ठीक है जहाँ दिक्कत हो रही है ना वहां पे मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला इसमें जो हमारा टॉपिक आता है उसमें उसमें बढ़ते हैं। यहाँ पे टॉप बॉटम, टॉप बॉटम पे आता है। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने सिलेक्ट कर लिया और मुझे इसमें से मान लीजिए टॉप 5 हाईलाइट करने हैं, तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम में जाइए, टॉप 5 टॉप 10 करके हाईलाइट कर सकते हैं, टॉप 100, तो इसके पोजीशन के हिसाब से हाईलाइट होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कुछ डेटा यहाँ पे डाला हुआ है और मैंने मान लीजिए कि इसमें टॉप 3 हाईलाइट कर लिया, यहाँ पे किया टॉप, यहाँ पे टॉप 3 करके हाईलाइट कर दिया, तो टॉप 3 हमारा हाईलाइटेड है। लेकिन मान लीजिए कि टॉपर में 3 बार हमारा रिपीटेड 85 है, तो हमारा तीनों 85 ही हाईलाइट होगा। समझे सर? तो टॉप में उसके पोजीशन के हिसाब से हाईलाइट कर देता है, और सेम उसी तरह से इसमें बॉटम 3 होता है तो जो सबसे लोएस्ट होता है उसको हाईलाइट करता है, और इसमें टॉप 10% और टॉप 10 बॉटम परसेंटेज ये परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं, आगे हम इसके बारे में बताएंगे आपको। फिर आते हैं अबव एवरेज। जो सिलेक्टेड कॉलन है उसका एक एवरेज है 50, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टॉप बॉटम में, अगर टॉप 10 पे अबव एवरेज करता हूं तो जो 50 से बड़ा है उसको हाईलाइट कर देगा, और यहां पे अगर मैं बिलो एवरेज कर देता हूं जो 50 से छोटा है उसको हाईलाइट कर देगा। तो अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, एवरेज इस पे काम किया जाता है। उसके बाद आता है डेटा बार्स। डेटा बार्स जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें एक मिनट पहले से लगा हुआ कि रूल्स हटा देता हूँ। हाँ अब मान लीजिए मुझे पता करना हो कि 55 जो है वो हाईएस्ट में आता है या लोएस्ट में या मिड में, इसका पोजीशन क्या है, क्योंकि इतने बड़े डेटा पे हम चार्ट तो नहीं बना सकते, तो हम डेटा बार कर देते हैं। तो ये बार के थ्रू बताता है कि ये हमारा मिड में है, 85 हमारा हाईएस्ट में है, ये आपका नियरेस्ट टू हाईएस्ट है। तो जितनी वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी उतनी हिसाब से इसका पोजीशन लगेगा, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब यहां भी इसको अलग सीट में करके दिखाता हूं आपको। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हमने लिख दिए। इस नंबर्स में आप डेटा बार लगाओगे, जैसे जैसे आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है देखिए बार भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो डैशबोर्ड वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल हम अपने हिसाब से करते हैं। जस्ट इसी के नीचे आप आते हैं तो आपको दिखता है कलर स्केल। तो डेटा बार की तरह कलर स्केल भी आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करती है, लेकिन वो कलर में करती है। जैसे कि लोएस्ट आपका रेड है और हाईएस्ट आपका 10 है, राइट?
एंड कलर आइकन भी काम आइकन का काम भी सेम है, लोअर मिडल अपर देख रहे हैं आपको। देखिए आइकन का हम लोग एक काम और करते हैं, जैसे हमारे पास क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू इस तरह से मान लीजिए है, क्वार्टर वन में हमारा 50 सेल है, 52 क्वार्टर टू में है, तो किसमें ज्यादा है किसमें कम है। जैसे छोटा नंबर है तो आप कंपेयर देख के कर रहे हो, लेकिन कल के रेट में बड़े बड़े जो करोड़ों के नंबर्स होते हैं उसकी कंपेयरिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आइकन्स लगा दोगे, तो जैसे शेयर मार्केट वगैरह में नहीं होता है कि नीचे गया ऊपर गया, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो कलर स्केल का यूज इसमें और भी बहुत सारा स्केल्स है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसमें आप हेलो समझ में आया सर आप लोगों को? अभी जी मोर सर ओके जी सर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला ऑप्शन हमारा जो आता है उसके बारे में चलिए बता बात करते हैं कि क्या आइकन्स को और भी काम कर सकते हैं। जी हाँ और भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसी दोनों को कॉपी करके एक नई सीट पे ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू करता हूँ। अभी क्या है कि एक क्वांटिटी नहीं है, मान लीजिए कि ये स्कोर है राइट। तो इसमें कहा गया है कि ग्रेटर देन 60 का स्कोर है वो पास होगा और 42-60 वाले को हम रीटेस्ट करवाएंगे, मतलब एक मौका और देंगे, और लेस देन 40 वाले हमारे फेल है। अब इसके लिए आप इफ वगैरह लगाएंगे, आप आइकन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। राजू जी 10-5 मिनट बाद ज्वाइन कीजिएगा, ये बेसिक चल रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने आइकन सेट पे गए और हमने ए आइकन लगा दिया। तो टिक का निशान है, हमने बोला कि इससे पास, क्वेश्चन मार्क है, रीटेस्ट, क्रॉस, फेल है। लेकिन क्या ये सही तरीके से वर्क करेगा? जी नहीं, क्योंकि इसको क्या पता कि हमारा कंडीशन क्या है। क्या सर? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मैनेज रूल, किसी भी रूल्स को जो आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखे हो उसको मैनेज करने के लिए आप मैनेज रूल पे जा सकते हो। तो मैनेज रूल पे गया और हमने इस पे डबल क्लिक की। आप यहां देखिए हमारे पास रूल्स है, तो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए और यहां पे मैंने दिया कि 60 से ऊपर हो एंड 40, तो 40 टू 60 के बीच को एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, 40 से ऊपर ए आएगा और 40 से नीचे क्रॉस का मार्केट आएगा एंड अप्लाई। अब मैं आईएनटी कैसे फाइल कैसे करूंगा, क्या है क्या नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये दे दिया 3, 2 एंड 1। अब इसको भी सिलेक्ट करके आप इस पे हमने आइकन्स लगा दिए, लेकिन इसकी वैल्यूज और ये 3, 4, 2, 1, तो कोई पूछ सकता है कि 3, 2, 1 क्या है। तो हम मैनेज रूल में जाते हैं और आइकन सेट पे जाते हैं, यहाँ देखिए शो आइकन ओनली, मतलब कि अब 1, 2, 3 डेटा जो है वो हिडन हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा, रहेगा अस्तित्व में बट विजुअल नहीं होगा। नहीं हो रहा है? ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास देखिए बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। तो ये जो फीचर्स मैंने बताया वो मोस्टली यूजर्स फीचर्स है, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है जो कि मोर रूल्स में मिलते हैं, जिसके बारे में हम आपके साथ कल डिस्कशन करेंगे सर। लेकिन उससे पहले आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे तरीके से स्कैन कर लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है सर, तो कल मैं बताऊंगा कि उसके अंदर चीजें कैसे है, उस पर हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, अपने हिसाब की से कैसे इसको यूज करेंगे, ये हम आपकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटी मोटी डाउट होगा तो कॉल करके पूछ लीजिएगा, बड़े डाउट के लिए कल की क्लास में बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके बाय।